ये है सोनू सूद सर का घर, आप लोग बगल में फोटोज देख रहे होंगे, हम स्क्रीन शॉट लगाए हुए हैं। सोनू सूद सर लॉकडाउन के टाइम में सभी लोगों से यहीं गेट के पास मिलते थे और सभी लोगों की मदद भी करते थे, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ फोटोज आपको दिखाने के लिए लगाया हूँ, तो यही इनके घर का मेन गेट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ गरीबों के मसीहा सोनू सूद सर के घर पे। जी हाँ दोस्तों, कासा बैलेंसा। आज की इस वीडियो में हम आपको सोनू सूद सर के घर का टूर कराने वाले हैं। और सबसे खास बात आपको बता दें हम कि अगर आप लोग 30 जुलाई को मुंबई में हैं तो आप लोग लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 30 जुलाई को सोनू सूद सर का बर्थडे है और वो सभी लोगों से मिलने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अभी अभी मैं सोनू सूद सर के घर पे ही जा रहा हूँ और मुझे ये पता चला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगी है और मैंने उनके गार्ड से पूछा भी तो उनके गार्ड ने बताया भी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सोनू सूद सर का घर कैसा है, उनके घर की प्राइस क्या है। आप सभी को तो पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने गरीबों की कितनी मदद की थी घर पहुंचाने के लिए और खाना देने के लिए। कोई भी मतलब मजबूरी वाला काम पड़ता था, फंस जाते था कोई भी गरीब, तो उनका हेल्प वो जरूर करते हैं। तो आखिर इस गरीबों के मसीहा का घर कहाँ पर है और उसकी प्राइस क्या है, उनका नेटवर्क क्या है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि वो इतने लोगों की मदद करते हैं तो आखिर भाई उनका नेटवर्थ क्या है और उनकी कमाई कहाँ कहाँ से होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब चलते हैं सोनू सूद सर के घर पे। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ सोनू सूद सर के घर के सामने, कैसा ब्लांका। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कैसा ब्लांका। और इसी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पे रहते हैं सोनू सूद सर और हमेशा वो किसी न किसी से पर डे यहाँ पर मिलते रहते हैं। जैसे कोई भी अगर गरीब आता है, किसी को की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है या कोई भी मदद चाहिए, वो सोनू सूद सर से हमेशा यहाँ पर पर डे मिलने आता रहता है। मतलब वो पर डे किसी न किसी से ज़रूर मिलते हैं। तो यही उनका घर है और यही मेन गेट है। आपको बता दें कि 30 जुलाई को उनका बर्थडे है और 30 जुलाई को वो यहाँ पर भी सभी लोगों से मिलने वाले हैं। इनके घर का एड्रेस आपको हम बता दें, 605/606 कैसा ब्लांका अपार्टमेंट, यमुना नगर, ओसीवारा, अंधेरी, वेस्ट मुंबई। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप लोग 30 जुलाई को मुंबई में हैं और आपको सोनू सूद सर से मिलना है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। सोनू सूद सर का ये घर 2600 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस आलीशान घर में 4 बेडरूम और एक बहुत ही बड़ा हाल है। इस अपार्टमेंट की कीमत 20 करोड़ रुपए है और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लिखा भी है द रियल हीरो ऑफ इंडिया सोनू सूद सर। जी हाँ, इस तरह की होर्डिंग आपको इनके घर के आजू बाजू में देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में, इसी घर के चौथे फ्लोर पे सोनू सूद सर रहते हैं और सभी लोगों की मदद भी करते हैं। इनके पास अलग अलग जगहों पर 6 और जोहू में 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं। इनके इस अपार्टमेंट में 4 बहुत ही बड़े बेडरूम हैं, जहाँ वो अपनी पत्नी सोनाली और अपने दोनों बेटों ईशान और अयान के साथ रहते हैं। पूरा अपार्टमेंट इनका जुबिन और जैनुद्दीन और कृपा जुबिन ने डिजाइन किया है। सोनू सूद सर का एक उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम शक्ति सागर प्रोडक्शन है। और जो इनके घर का इंटीरियर्स है ये काफ़ी कमाल का है और काफ़ी अलग लुक भी देता है। फ्रेंड्स अभी एक लोग सोनू सूद सर से मिलने आए हैं, देख सकते हैं विकलांग हैं और इनको सोनू सूद सर ने बुलाया था, तो अभी इनका मिलने का टाइम 4 बजे है, इसलिए इनको यहीं पर खड़े रहने के लिए बोला गया है। और आपको बता दें कि सोनू सूद सर का 30 तारीख को बर्थडे भी है। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है 30 जुलाई हैप्पी बर्थडे सोनू सूद सर द रियल हीरो। तो सोनू सूद सर 30 तारीख को भी सभी लोगों से मिलेंगे और वो जो भाई साहब वहाँ पर खड़े हैं उनसे उनका मैनेजर अभी आएगा, बात करेगा और उसके बाद एक फॉर्म भरेगा और उसके बाद फॉर्म भर के उनको अंदर ले जाया जाएगा। सोनू सूद सर नीचे आएंगे और उसके बाद उससे मिलेंगे और जो भी उसकी प्रॉब्लम रहेगी उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा और उनको जितना भी पैसे की ज़रूरत होगी सोनू सूद सर उनको पैसे देंगे। 1999 में सोनू सूद ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत तमिल फिल्म कल्हा जगहर से की थी। बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म शहीद आजम से
कदम रखा था। फिल्म में सोनू सूद ने भगत सिंह का किरदार भी निभाया था। तो देखिए वहाँ पर भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं, अभी जो मैनेजर साहब नीचे रहते हैं जो फॉर्म वगैरह भरते हैं वो आकर इनसे मिलेंगे, अभी मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों इतना ही नहीं, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक मशहूर हो चुके सोनू सूद सर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं। सोनू सूद की पत्नी का नाम सोनाली है। सोनू और सोनाली ने साल 1996 में शादी की थी, इनके दो बेटे भी हैं। सोनाली का बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और इसी के लिए वो लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। इस घर के अलावा इनके पास मुंबई में दो और फ्लैट हैं और इसके अलावा जुहू में एक होटल भी है। तो देखिए यहाँ पर उस व्यक्ति से जो विकलांग यहाँ पर आए थे मिलने, उनसे उनके मैनेजर आके बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे पूछा भी जा रहा है कि मतलब किस चीज़ के लिए वो आए हैं और उनका फॉर्म वगैरह अभी वहाँ पर भरा भी जाएगा। अगर इनके पास कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें उनके पास सबसे पहली कार है वो है ऑडी Q7, जिसमें वो अक्सर इन दिनों चलते हुए नजर आते हैं। उस कार की कीमत है 80 लाख रुपए। वहीं उनके पास पोर्शे पनामा है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज बेंज ML क्लास 350 है CDI, इस कार की कीमत लगभग 66 लाख रुपए है। और इसके अलावा इनके पास कई सारी लग्जरी कारें भी मौजूद हैं। सोनू सूद सर के पास लग्जरी और महंगी कारें ही नहीं बल्कि इनके पास एक स्कूटर भी है और इसकी आवाज़ सुनना उन्हें काफ़ी पसंद है। यहां आपको बता दें कि ये स्कूटर उनके पिताजी का है। सोनू सूद सर के पिताजी का नाम शक्ति कपूर सूद था और इनके माता का नाम सरोज सूद था। और आपको बता दें इनका नेटवर्थ की बात करें तो इनके पास करीब 130 करोड़ की संपत्ति है और ये सालाना यानी एक साल में ये 15 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और मंथली इनकम इनका 2 करोड़ प्लस है। और एक फिल्म के लिए सोनू सूद सर करीब 2 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा विज्ञापन से भी इनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। तो ये जो आप लोग कैसा ब्लंका ये अपार्टमेंट देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पे सोनू सूद सर रहते हैं जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। और इनका 30 तारीख को बर्थडे भी है और अपने बर्थडे के टाइम पे ये सभी लोगों से मिलेंगे भी और ये रोज़ाना किसी न किसी लोगों की मदद करते रहते हैं। तो ये बॉलीवुड के बहुत ही बड़े सुपर स्टार और गरीबों के मसीहा भी हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको इनके घर का ब्लॉग दिखा दिया है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।